तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है देसी टेक बॉस चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से आ चुके बहुत ही अच्छे लैपटॉप के साथ, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक, बेसिक सेंट्रिक सब जो भी होता है सब काम कर देगा आपका। ये लैपटॉप थिन एंड लाइट सीरीज तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा ही मोटा होगा, गेमिंग से काफी ज्यादा पतला होगा। तो ये लैपटॉप आने वाला है एसर की तरफ से, एसर की एस्पायर सीरीज का, एसर एस्पायर 7, जो डोमिनेट द गेम विथ आपका मजे करवाएगा, मजे ही मजे, ताबड़तोड़ गेमिंग, जीटीए वीटीए एकदम जोरदार चलने वाला है आपका, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर के नाम पे मिलने वाला है i5 12th gen, यस गाइस, जो कि इतना अच्छा प्रोसेसर है अभी के टाइम पे। i5 अगर आप 3060 3070 तक आप मर्ज कर सकते हो, जो आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। i5 12 400H इसके अंदर आपको यूज होगा, या थोड़ा एच या तो नॉर्मल वाला हो सकता है, वो मेरे को अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3050, नॉर्मल वाला 3050 है, 3050 Ti आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाला, लेकिन इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता है, 10-15% का डिफरेंस होता है। अगर आपको 3050 वाला वेरिएंट, 3050 Ti वाला वेरिएंट मिलता है, तो आप वो कंसिडर करो या फिर ये कंसिडर करो। रैम का ऑप्शन इसमें आपको 8 GB मिलने वाला है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लुक्स आप स्क्रीन पे देखते जाओ, ऐसे ऐसे कुछ लुक्स होने वाले, काफी मिनिमलिस्टिक का लुक इसका पर दिया गया है, और काफी अच्छा स्लिम स्लिक प्रोफेशनल लैपटॉप लगता है। स्टूडेंट्स के लिए ये द मोस्ट परफेक्ट एंड एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर भी i5 12th जनरेशन का मिलने वाला है, RTX 3050 एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, प्लस आपको विंडोज 11 जो है वो प्री बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलने वाला है। और इसके स्टोरेज की बात की जाए तो 512 GB की SSD आपको इसके अंदर पहले से मिल जाएगी, जो कि एक Gen 3 SSD है, और इसकी रीड एंड राइट स्पीड अप टू 3000 से लेके 3500 MBPS रीड एंड राइट स्पीड दोनों है। तो देख जज कर लेना अगर आप लैपटॉप खरीदते हो। तो रैम की बात की जाए तो इस वेरियंट में आपको मिलने वाला 8 GB RAM, और मैं सजेस्ट करूंगा आप तुरंत ही अपग्रेड कर लो 16 GB तक, क्योंकि 16 GB इज मस्ट। आप कुछ भी काम करो 16 GB आपको ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा अच्छी खासी बैकअप ये सब देगा। और अपग्रेड की बात की जाए तो रैम भी आपका 32 GB तक अपग्रेड हो जाएगा, सॉरी थोड़ा गला खराब। थर्मल सॉल्यूशंस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एयर इनलेट वाले कीबोर्ड मिलने वाला है, जिससे आपका हवा जो है वो कीबोर्ड्स के कीज के थ्रू भी अंदर जाएगा और पास आउट हो जाएगा, जो वेंट से राइट लेफ्ट और पीछे के साइड पे उससे पास आउट हो जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा अच्छा थर्मल कंट्रोल्स मिलने वाला है। ड्यूल फैन सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज की गई, प्लस इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा ट्रिपल थर्मल पाइप्स, यानी कि जो थर्मल पाइप्स होते हैं जिससे सीपीयू और जीपीयू कनेक्टेड होता है, वो आपको तीन तीन देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ना के बराबर हीट करेगा। हाँ थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि अगर आप हेवी टास्किंग करते हो, गेम वेम खेलते हो, तो हीट तो करना ही है लैपटॉप को इसके अंदर। और बात की जाए तो कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल सकता है। मेरे को पता नहीं इसके अंदर बैकलिट है या नहीं है, लेकिन मेरे को जहां तक कि लग रहा है कि एस्पायर सीरीज में बैकलिट कीबोर्ड होता है। सिंगल बैकलिट कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा व्हाइट कलर का, और मल्टीपल कूलिंग मोड्स भी है इसके अंदर, साइलेंट वाला, नॉर्मल वाला, परफॉर्मेंस वाला। एक एसर का नाइट्रो सीरीज जो आता है उसका मेरे पास लैपटॉप है, और उसमें डायरेक्ट एक नाइट्रो का बटन है, तो उससे कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको Fn+F दबा के रखना पड़ेगा आपको मोड्स चेंज करने के लिए, साइलेंट, नॉर्मल और परफॉर्मेंस में। तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, अंडरस्टैंड डिजाइन बेटर कंफर्ट विथ एर्गोनॉमिक टिल्ट। इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो आपका लैपटॉप का स्क्रीन है वो नीचे से थोड़ा सा उठ जाएगा, यानी कि आपका एयर वेंटिलेशन के लिए काम आने वाला है, और भी कुछ नहीं। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो काफी ज्यादा स्लिम डिजाइन रहा किया गया है, इतना आपको थिन एंड लाइट जैसे तो मिलने नहीं वाला है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.8 kg है, तो यानी कि गेमिंग लैपटॉप से कम है और थिन एंड लाइट लैपटॉप से थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्योंकि इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिलता है, और ये मोस्ट सजेस्टेड लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स है मेरी तरफ से, यानी कि आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो डॉक्टर के फील्ड में, मैं ऐसा फील्ड का नाम नहीं ले सकता कुछ भी अलग से, पता चला कुछ और हो जाए। तो जैसे भी आप काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, थोड़ा प्रोफेसर ये लोग को भी चाहिए होता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, सबके लिए बेस्ट लैपटॉप है। इसका प्राइस की बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 60-70,000 के बीच में आपको मिल सकता है, यानी कि मिल ही जाएगा। आप 2nd of September को ये लॉन्च हो जाएगा, तो आप ले सकते हो, काफी अच्छी प्राइस ब्रैकेट है, काफी अच्छा
इसके अंदर आपको डिस्काउंट डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है एक्सचेंज में, आप 60-55,000 तक इसको खींच सकते हो, आप ये डील ले सकते हो। मेरी तरफ से ये सजेस्टेड है आपको, किसी को गिफ्ट विफ्ट कोई लैपटॉप करता नहीं है, लेकिन है भाई कोई बड़े लोग तो ये लैपटॉप सजेस्टेड है मेरी तरफ से। बेटर कूलिंग विथ एलिवेटेड डिजाइन, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया एलिवेशन है थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। बेटर साउंड विथ एलिवेशन, यानी कि फिर से एलिवेशन किया गया है, फ्रंट से थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है, साइड कॉर्नर से, पूरा नहीं साइड कॉर्नर से, जिसकी वजह से आपको साउंड एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल जाएगा। क्योंकि डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे आपको, तो 1.5 dB का साउंड ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। वाइडर स्क्रीन स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की बेजल काफी अच्छी खासी है, नीचे की तो बहुत ज्यादा बड़ी है, साइड के बेजल बहुत कम है। आपको ना के बराबर बेजल्स ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि है थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा। चलेगी आई प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको इसके अंदर, जो कि ब्लू लाइट शील्ड है, जिससे आपके आंखें सुरक्षित रहेंगे, यानी कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ वही कहना चाहते हैं ये लोग। और फाइन ट्यून कलर एसर एक्स्ट्रा कलर टी, इसके अंदर बात की जाए डिस्प्ले की तो 45% NTSC, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 91-93 के बीच में कलर गैमेट रेशियो है इसका, ऐसा ही कुछ है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वाईफाई डुअल बैंड मिल जाएगा, यानी कि Wi-Fi 6 आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 60 FPS तक आप मॉनिटर ये कर सकते हो, कंपैटिबल कर सकते हो। Thunderbolt 4 का पोर्ट मिल जाएगा, जो कि टाइप सी है, जिससे आप बहुत कुछ ज्यादा ही कर सकते हो। आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगा सकते हो अंधाधुंध FPS वाला, यानी कि 165, 260 FPS, 360, इतने FPS आप Thunderbolt 4 से लगा सकते हो। Thunderbolt 4 इज अमेजिंग, मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन होना चाहिए था, कोई बात नहीं। द सेम सर सप्रेस बैकग्राउंड नॉइस विथ एसर प्योरीफाइड वॉइस, यानी कि इसके अंदर आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक मिलेगा, जिससे आपके बैकग्राउंड की जो वॉइस है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, और काफी अच्छी खासी आपको ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी। और बाकी अगर आप वीडियो पे नए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्ट से वीडियो में। तो मेरे को, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था कि मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियो डालूं कि रेगुलर डेज पे, मंडे टू फ्राइडे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो दिख रहा है प्लीज बताओ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे कुछ ज्यादा 50 सब्सक्राइबर है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है, सपोर्ट करना ही नहीं है किसी को, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अल्टरनेट डेज पे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम है, मतलब इतना जल्दी लॉन्च नहीं हो रहे कुछ भी चीजें, और डेली डेली क्या वीडियो अपलोड करना चाहिए आता है भी नहीं है, पता नहीं क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस, सी यू सून।